नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगढ़ लाइव, मधुबनी जिले में सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल। और आप सभी का, सबसे पहले तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमें 1,18,000 फॉलोअर तक पहुंचाया है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए ताकि हम जयनगढ़ के सबसे बड़े नहीं, जिले के नहीं, बल्कि पूरे विश्व में नंबर वन बन जाएँ। चलिए हम बात करते हैं अब अपने मुद्दे पे। इस वक्त बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 का बिगुल फूका जा चुका है और लगातार हमारी टीम चुनावी कवरेज करना शुरू कर चुकी है और इसी क्रम में हम आए हैं इस वक्त मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले के इस वक्त हम हैं जयनगर में और जयनगर आता है नगर पंचायत क्षेत्र में। नगर पंचायत क्षेत्र ये बना 2001 में इसको नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र समिति के बाद का दर्जा मिला है और बहुत ही 15 सालों तक ये सीट वार्ड पार्षदों के द्वारा, जो परिसीमन था सरकार का, उस हिसाब से चुना जाता था। सिर्फ वार्ड पार्षद चुना करते थे अपने मुख्य पार्षदों को और इस बार पहली बार हुआ है कि ये मिथक टूट गया है। सरकार ने जो किया है वो ये है कि इस बार जनता सीधा अपने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद, अभी तक सिर्फ वार्ड पार्षद को चुना करती थी, अब से मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी चुना करेगी। तो इस वक्त हम आए हैं जयनगर में, जयनगर नगर पंचायत, और इस वक्त हम हैं कमला रोड में। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाएं इन तस्वीरों में कि जो ये रोड है, ये तस्वीरें हैं, ये हमारे, जो मैं खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे ये वार्ड नंबर 6 आता है। और मैं फिर से कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाने कि हमारे सामने जो रोड जा रही है और जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 7 में आता है। तो इस वक्त हम बॉर्डर लाइन पे हैं और इधर वार्ड 6 है और इधर वार्ड 7 है। बीते 15 सालों में, या यूं कहें कि चलिए 15 सालों को छोड़िए, बीते 5 सालों की अगर बात करें तो जो ये रोड है आज भी आपको दिख रहा होगा, मैं तो सहयोगी कहूँगा कि खरंजा है और इस खरंजेकरण को आज तक सड़क में तब्दील नहीं हो पाया। कारण चाहे जो भी हो, पर विकास की स्थिति यह है कि ना यहाँ के स्थानीय सांसद, ना विधायक और ना ही जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं और इसको बना पाते हैं। कारण जो भी रहा हो और बात करते हैं विकास की, तो आइए यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका कहना और क्या है उनकी जुबानी। आइए सीधा जानते हैं कुछ लोगों से। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा शंभू कुमार नाम हुआ। किस वार्ड में घर है? 7 वार्ड में। बीते 5 सालों में जो आपका वार्ड रहा है उसमें विकास की क्या स्थिति रही है? विकास तो थोड़ा बहुत जो भी इंदिरा आवास है तो मिला है, लेकिन रोड का स्थिति बहुत खराब है। वोट मांगने सब आता है लेकिन इसके विषय में कोई नहीं सोचता है कि रोड कैसे बनेगा, ये बांध कैसे बनेगा, चलने का हालत नहीं है। बाढ़ की स्थिति में या बारिश के मौसम में क्या स्थिति होती है इस सड़कों की? सड़क बहुत खराब है, मतलब बच्चा लोग गिरता है इस पे, पिछल रहता है और घर में पानी लगता है। देख लीजिए आप जगह के घरे घरे, एक एक धार पानी घर में रहता है, नाला का निकासी नहीं है। यहाँ सब इलेक्शन आता है, वोट मांग के चला जाता है और कोई नाला के विषय में कहा जाता तो कहता क्या ये नहर में आता है, ये शहर में नहीं है। और जब इलेक्शन खत्म होने के बाद, मतलब इलेक्शन आता है तो सब आता है लेकिन उसके बाद कोई इधर देखने नहीं आता है। और नाला के विषय में बोलते हैं तो कहता है कि तो अति में है, नहर में है, जो ये हम लोग के हाथ में है नहीं, नगर पंचायत के हाथ में नहीं है, तो फिर वोट क्यों? जब ये नगर पंचायत के हाथ में नाला नहीं है तो फिर वोट मांगने आप लोग क्यों आते हैं? नहीं आइए, ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर दीजिए इसको। जब रोड नहीं बन सकता है तो क्यों आप वोट लीजिएगा? ग्रामीण में कर दीजिए, यही है। सरकार को टैक्स देते हैं हम, शहरी टैक्स, और वही है, वही सब है, और क्या कहें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, भाग रहे हैं और चीज़ों को बचा रहे हैं और वोट के समय में आते हैं। आप इस बार भी चुनाव है, फिर से कुछ उम्मीदवार आपके पास आएंगे, क्या बात लेके आते हैं और आप उनसे क्या कहते हैं ये बताइए। सब बोलते हैं हम विकास करेंगे, होगा काम, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब इलेक्शन जीत जाने के बाद वो ये की वो बात बोलते हैं कि नहर में है, ये शहर में नहीं आता है, बांध हम लोग के हाथ में है नहीं, तो फिर आप लोग के हाथ में नहीं है तो इसको क्यों शहर में डाले हुए, इसको छोड़ दीजिए, शहर से निकाल दीजिए, हम लोग देहात में ही रहेंगे। जब हम लोग का स्थिति खराब है, घर में पानी लगता है, नाला का बहाव नहीं है, तो क्यों हम वोट दें आप लोग को? तो जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ के वार्ड नंबर 7 के एक वोटर है, उनकी बहुत ज्यादा गुस्सा है और कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी बानगी नहीं है। चलिए हम जानते हैं कुछ स्थानीय महिलाओं से, क्या नाम है आपका? हमको सीता देवी। किस वार्ड में घर है? 7 वार्ड में। जो 5 साल रहा है पीछे आपके जनप्रतिनिधि का, आपके वार्ड पार्षद का, आपके चेयरमैन का, और विकास की जो स्थिति है, आपको कैसा लग रहा है वार्ड का स्थिति विकास के मुद्दे? यार वार्ड का जो है, जो पानी में डूबता है उसको कोई सहारा नहीं है,
उसको कोई सहारा नहीं है, पानी का कोई सहारा नहीं है। हमारा पानी बिन उतरपाता है, जो पानी बहने वाला नहीं है, घर में पानी लगता है, एक कल नहीं गाड़ सकते हैं, एक लाला नहीं बहा सकते हैं, कुछ नहीं। एक लल दिया है, वो भी अच्छा नहीं दिया, दो दिन चार दिन चला और वो नल खत्म हो गया। बस न पानी का व्यवस्था कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका परिवार है वो परिवार लेके कहाँ जाए, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वही बात है, कुछ नहीं है। चलिए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? जलेश्वरी देवी सर। किस वार्ड में घर है? सात वार्ड में। जो बीते पाँच साल रहे हैं उसमें आपकी नज़र में आपके वार्ड में विकास हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं सर। आपको किसी सरकारी योजना का, या जैसे आप मुख्यमंत्री कोई आवास योजना हो, नल जल योजना हो, ये सब कुछ लाभ मिला है? नहीं, हमरा सबके कुछ नहीं सर। हम सबके देखे छथिन घर द्वार के ने देखे छथिन, खाए के अवस्था नहीं है, हमरा सबके कुछ नहीं दे है सर। आपका ये घर है? हाँ हाँ सर। सहयोगी को कहूँगा कि दिखाएं कि जो दावे किए जाते हैं कि आज भी यहाँ पे जो घर की स्थिति है वो देखिए किस तरह है और किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो वार्ड है सात नंबर है, नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, और देखिए यहाँ पे तमाम दावे जो हैं विकास के, सरकार के और जनप्रतिनिधियों के, वो यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? लोकेश राम। किस वार्ड में घर है? नौ वार्ड में, बगले में। आपका नौ वार्ड में घर है। चलिए अभी हम साथ में हैं, नौ के लोग हैं, आप उससे भी बात करते हैं। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? कोनो स्थिति नहीं, 50,000 रुपया दिलक आवास बंद, आधा लबका सबके दे दिल, हमरा सबके घर के तोड़ा दिलक आवास, ठप कर देने पूरा। तो आपके नजर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है ये बताइए। और आदमी के भले या और आदमी के जख मारे है। चलिए आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और बात करते हैं क्या है उनका कहना। क्या नाम है आपका? फुलिंदर राय। किस वार्ड में घर है? सात में। बीते पाँच साल बीत गए हैं जनप्रतिनिधि के, आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है आपके वार्ड? हमारे नज़र में नहीं है, अपने नज़र में नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है, अपने नज़र में नहीं है। बाकी आप जानिए, और जिसको लाभ हुआ वो जानेगा, हमारे नज़र में कुछ नहीं है। मेरे घर पर जलिए देख लीजिए क्या स्थिति है, पानी में इतना रहता है, कोई सुनवाई नहीं करता है कि पानी के लिए अपने दो दो महीना तक, तीन तीन महीना के बाद में निकालने का दमकल तक नहीं मिलता पानी निकालने के लिए। तीन मरतबे फोटो खींच के हमने भेजवा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जाके देखिए मेरे घर की स्थिति, देखिए मेरी झोपड़ी को देखिए। तो आप वार्ड पार्षद से या जो जनप्रतिनिधि है या स्थानीय विधायक है, सांसद है, उनसे कभी मिले इस संबंध में बात किए? सुनता है, हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। सिर्फ हो गया, चले मेरा घर का झोपड़ी, सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं। हाँ काम नहीं हुआ मेरे पास, नहीं हुआ तब हम बोले आज। अब फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से चुनाव होने हैं, आपके पास फिर से कुछ उम्मीदवार आएंगे, वोट मांगेंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि जो विकास है पहले कीजिए, उसके बाद में आपको वोट मिलेगा। तो आपने सुना यहाँ पे कि लोग जो है वो काफी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं साफ सुथरे लफ्जों में कि पहले विकास कीजिए, विकास की बात होगी उसके बाद जो है हम वोट करेंगे आपको। ये बहुत ही शोचनीय बात है कि आखिर ऐसा क्यों है जो यहाँ के वोटर कह रहे हैं, पाँच साल में क्यों ऐसा कुछ कह रहे हैं, आखिर क्या रही है स्थिति, तो सब कुछ जानते हैं। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ पे एक बाबा हैं और ये चाय का दुकान यहाँ चलाते हैं, मैं अपने सहयोगी कहूँगा दिखाने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश राय। किस वार्ड में घर है? सात वार्ड में। बीते पाँच सालों में जो आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं आपके वार्ड में, या स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने कुछ विकास का काम किया है? बहुत किया है, विकास किया है। हाँ किया है। तो जब आप चुनाव फिर से आने वाले हैं अगले पाँच सालों के लिए, फिर से कोई उम्मीदवार आपके पास आएंगे वोट मांगने, आप उनसे क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे कि हाँ देंगे। अपेक्षा क्या रखते हैं उनसे? और आप अच्छा यही है, मांगना उना कुछ नहीं है, आएंगे उनको वोट देंगे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं, और मिश्रित मिली जुली प्रतिक्रिया भी है, तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार महतो नाम है सर जी। किस वार्ड में घर है? वार्ड नंबर सात में रहते हैं। बीते पाँच सालों में आपके वार्ड में, आपके नजरों में विकास का क्या कुछ कार्य? विकास में तो देखे हैं कि सर जी, नल जल वाला जो है योजना में हम लोग का घरे घरे आधार कार्ड लेके टंकी दिया है, लेकिन उसमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है सर, नाली का पानी आ रहा है सर, पीने योग्य नहीं, जब चालू करते तो बंद करना पड़ता है, बदबू देता है। इसके अलावा और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको?
क्या सर लाभ मिलेगा यहाँ? यहाँ तो देखते हैं कोई कोई नेता भेंट करने के लिए खाली वोट मांगने के लिए आता है, आप भेंट करने के लिए उसके बाद फिर दर्शन भी नहीं होता है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर विधायक है या इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनसे कभी आपने इस बात को रखा, उनके सामने रखा, उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहते हैं? नहीं है सर जी, तक क्या बात रखेंगे उनसे? आप अपने क्षेत्र के विधायक को जानते हैं? तो जानते हैं, लेकिन अरुण, क्या नाम है, अरुण शंकर प्रसाद। कभी मिले हैं उनसे? जी नहीं सर जी, हम लोग से नहीं मिलते हैं, वो इधर उधर बड़े बड़े नेता से मिल जाते हैं, चल जाते हैं, उनका काम हो जाता है। तो आपने सुना, ये बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र के विधायक हैं लेकिन इन क्षेत्र की जनता से कभी मिले नहीं, जनता ने उनको देखा नहीं, पहचानते तक नहीं है। सांसद आते हैं कभी मिलने आपसे? कभी नहीं सर जी। सांसद का नाम जानते हैं? नहीं सर जी। किस सांसद के क्षेत्र में आप हैं ये आपको पता है? तो जैसा कि आपने देखा कि विधायक और सांसद दोनों ही नदारद हैं अपने क्षेत्र से, और इस क्षेत्र में न आते हैं आम लोगों के बीच, न लोगों से जुड़ते हैं, न मिलते हैं, ऐसा इस क्षेत्र की जनता का कहना है। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ, मैं हूं सुमित कुमार, फिर मिलेंगे एक और इंटरव्यू में, एक और पब्लिक ओपिनियन में किसी और समय। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।